कार इस पूरे मसले में आपको क्या कहानी दिखाई देती है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी की हिंदू पिच को काउंटर करने के लिए कांग्रेस जो रणनीति अपना रही है रिजवान अहमद, वो कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी या बैकफायर करेगी? व्हाट इज योर टेक रिजवान? रिजवान, मैंने 10 मिनट में 20 बार हिंदुत्व सुना तो एक हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान को क्रोध आ रहा था कि हिंदुत्व का शब्द कितनी गलत जगह और कितनी गलत भावना से इस्तेमाल किया जा रहा है आपके डिबेट में। जो भारत है, हिंदुस्तान नहीं, भारत की जो संस्कृतियां थीं, जो सभ्यताएं थीं, जब वो एक जगह समावित हुई, एक जगह मिली, तो उससे एक मान्यता ने अंकुरित हुई, एक मान्यता, वो मान्यता है हिंदुत्व। हिंदुत्व का नाम इतनी आसानी से डिबेट में लेना हिंदुत्व के प्रति आपका इंसल्ट है। ये ना तो हिंदुत्व हर हर मोदी है और ना हिंदुत्व हर हर राहुल है, भोले है, जो पॉलिटिकल रैलियों में किया जा रहा है। पहले आपके हिंदू पैनलिस्ट हिंदुत्व का मतलब समझ लें, उसके बाद इस शब्द का प्रयोग करा करें। पहली बात। दूसरी बात, प्रथम दृष्टिया ये देख के मुझे नजर आता है कि राहुल गांधी का झुकाव हिंदुत्व या धर्म की प्रति नहीं है। प्रथम दृष्टिया आंख बंद करके किया, अगर आप राहुल गांधी की लाइफ को देखें या उनकी दिनचर्या को देखें, मोदी का ये बहुत स्ट्रांग किला है हिंदुत्व। राहुल गांधी को और कांग्रेस को यह चाहिए कि यह लड़ाई 2019 की सिर्फ और सिर्फ विकास पर लड़ें, मोदी के 2014 के वादों के आधार पर लड़ें। अगर राहुल गांधी हिंदुत्व के नाम पर नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ेगा तो राहुल गांधी को धूल चाटनी पड़ेगी। ठीक है ओके आलोक शर्मा, अगर नरेंद्र मोदी के आगे राहुल गांधी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेगा तो उनको नुकसान होगा। रिजवान अहमद ये कह रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम को आपने सुन लिया, शुभ राष्ट्र को आपने सुन लिया, व्हाट इज योर टेक? क्विकली मेक योर पॉइंट, देन आई विल गो टू नवीन कुमार एंड वारिस पठान। ओके आलोक शर्मा, बाकी जगह जाना है तो आप वहां जा सकते हैं। क्विकली की बात अगर आप कर रहे हैं, मैं नहीं बात करूंगा। मेक योर पॉइंट सर, इसमें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी बात रखिए, डिबेट में ऐसे ही डिबेट होती है। मेक योर पॉइंट, यू हैव 50 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। मैं शांति से बैठा हूं अमित जी। आलोक शर्मा के मंत्री थे, उनको हटा दिया, जिस तरह से आज तमाम मुद्दों के ऊपर, गौ रक्षा के ऊपर और तमाम चीजों, इस देश में ना लोग इस्लाम को समझे हैं ना हिंदुत्व को समझे हैं। ये हिंदुत्व नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। आप लोग राजनीति में हिंदुत्व और इस्लाम को क्यों लेके आते हैं? रिजवान साहब, एक सेकंड, रैली में हर हर महादेव के नारे लगे, उस रैली में मैं सुनाना चाहता हूं कुछ और भी कहा गया। ये कहा गया कि देश का चौकीदार चोर है, ये तक कहा गया। शुभराष्ट्र क्या कहना चाहती है? एक तरफ आप हिंदुत्व की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। आमिष जी मैं वही कह रही हूं कि असली हिंदुत्व जो है, बड़ी अच्छी व्याख्या की डॉक्टर रिजवान अहमद जी ने कि हिंदुत्व केवल माला पहन लेने से, रुद्राक्ष धारण कर लेने से नहीं आती। हिंदुत्व एक चरित्र है, शीलता का परिमाण है। राहुल गांधी जी कितना भी ढोंग कर लें, अल्टीमेटली वो अपनी असलियत, चाल, चरित्र, चेहरा दिखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। और उसी तरह का झूठ प्रवक्ता ने, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने मेरे बारे में कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं। दिक्कत इन लोगों को इस चीज से है ना अमिश जी, कि कोई जनता की आवाज उनके खिलाफ उठ कैसे रही है? जो पार्टी इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा जैसा फासिस्ट नाज़ी नारा लगा सकती है, उस पार्टी के सामने जब मेरे जैसे आम व्यक्ति अगर खड़ा होकर उनको जवाब देता है तो आलोक शर्मा जी लोग जैसे लोगों की चूले हिलने लगती हैं और वो अनाप शनाप बकवास करने लगते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं। पूरा देश जानता है कि मैं बहुत शो पे कुछ भी बुलवाते चले जाते हैं, मैंने शुभराज सर जी के लिए व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन वो भाजपा से संबंध रखती है, पूरा देश जानता है, इसमें क्या दिक्कत है? विरोध की है और ये इटालियन कांग्रेस के, राम मंदिर के लिए क्या किया उसके ऊपर उत्तर दीजिए, बिल्कुल लगती हूँ साहब, गंगा के लिए क्या किया उसके ऊपर उत्तर दीजिए, मोदी जी आज तक अयोध्या राम मंदिर क्यों नहीं गए, इसके ऊपर उत्तर दीजिए। मैं कैंपेन भी करती हूँ लेकिन इसकी वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं हो गई।
आप जाकर संविधान पढ़िए, ये संविधान आजादी देता है, राइट टू प्रोफेशन है मेरा, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरा, और आप जैसे इंदिरा गांधी के फासिस्ट जो है वो छोड़ के मेरी आवाज को दबाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप हम जब झूठ बोलेंगे तो इससे केवल में आपको जवाब मिलेगा। आलोक शर्मा जनता की बातों का जवाब दीजिए, मुझे केवल ये बताइए कि मोदी जी आज तक अयोध्या मंदिर पर क्यों नहीं है। सुभाषतायु मेजो पॉइंट है, आलोक शर्मा रिस्पोंड कर, सुभाषतायु मेजो पॉइंट है, आलोक शर्मा रिस्पोंड कर 10 सेकंड्स। मूल विषय यह है कौन असली है कौन नकली है। हिंदुइज्म हिंदुइज्म होता है, लेकिन जो लोग नकली हिंदुत्व का चोला पहनकर टीवी चैनल्स पर बैठकर मोदी जी को डिफेंड करते हैं उनसे सीधा सवाल लेकिन है। अब आप मुसलमानों की पार्टी नहीं है आलोक शर्मा, अब आप मुसलमानों की पार्टी नहीं है, कांग्रेस हिंदू पाकिस्तान नहीं है, अब हिंदू तालिबान नहीं है, बताइए ना किसको सच माने। हमेशा सभी धर्मों की मुसलमानों की नहीं, एक सेकंड, मुसलमान ही कोई पार्टी को सच माने, हिंदू पाकिस्तान को सच माने, हिंदू तालिबान को सच माने, सच किसको माने बताइए आप मुझे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सभी जाति और सभी धर्मों की पार्टी रही है, लेकिन जिन लोगों ने ये कहा कि मुसलमान इस देश के लिए खतरा है, ठीक है, वो लोग आज सेक्युलर बनने का चोला पहन रहे हैं। जिन लोगों ने ये कहा क्रिश्चियन जो है क्रिश्चियन, अरे भाई आज अरे साहब हिंदुइज्म जो है वो मुसलमानों के बगैर अधूरा है, इसी हिंदुओं का अपमान कोई हो नहीं सकता है। मैं सिर्फ इतना हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि उन्होंने शुभ्रास्त्रा को भी बीजेपी का एजेंट बना दिया, उन्होंने रिजवान को भी बीजेपी का एजेंट बना दिया, और आपका भी अरे प्रवक्ता कहा, चलिए सुनिए सुनिए, आप बीजेपी का पक्ष सुनिए सुनिए डिवाइड करके, अरे सुनिए तो बताने का नहीं बोल रहे हो, सुनिए तो भाई बोल रहा हूं, अरे सुनिए तो भाई आलोक शर्मा अपनी वाणी को विराम दीजिए, सबके बीच में हम नहीं भी बोल सकते। ओके 30 सेकंड रिजवान सुनिए जी, देखिए ऐसा है आलोक जी, अगर हमें और आपको किसी एक मुद्दे पर बहस करनी होगी, आप चाहेंगे राजनीति पर बहस हो और मैं कहूंगा कानून पर बहस करो, अगर मुझे अमित से बहस करनी होगी तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहस नहीं करूंगा, मैं अपनी अपनी पीएचडी पर बहस करूंगा। मैं आपको एक राय दे रहा हूं कि कांग्रेस को 7 महीने सिर्फ विकास की, यार बड़े बदतमीज आदमी हो आप, बड़े बदतमीज आदमी हो, 44 सीटें लिए बैठे हो और इतना आकर किसी से राय मांगी है क्या? रिजवान भाजपा की भाषा है, रिजवान साहब आप भी रुकिए, रिजवान साहब आप भी मर्यादा रखिए, आलोक शर्मा जी नहीं देखिए मेरा कोई डायरेक्ट सलाह नहीं दी है मैंने, आलोक शर्मा जी क्यों दे रहे हैं आप लोगों की बातें ऊपर, आलोक शर्मा आपकी बात बिल्कुल में नहीं बोलना चाहिए, आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं इसीलिए कहता हूं कि बीच में एक दूसरे के ना बोले, जिससे कम से कम हर हर मोदी के तर्ज पर अब बम बम राहुल का नारा होगा, यानी हिंदुत्व की इस पिच पर राहुल गांधी खुल कर खेलेंगे, क्या बीजेपी के बुरे दिन निश्चित है 19 के अंदर जैसा कांग्रेस कह रही है। बीजेपी के बुरे दिन निश्चित हैं या नहीं आमिष जी, इस बात का जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता आपसे बात करेंगे जी। पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं खुद हिंदुत्ववादी विचारधारा में विश्वास रखती हूं और मैं बहुत खुश हूं कि कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो या कोई भी, या आपके सीपीआई के ही लोग क्यों ना हो, आज सब राम नाम भज रहे हैं, आज सब मंदिर का के दर्शन कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो ये वही वाली बात है। अब तो राहुल गांधी को ये क्लियर करना होगा कि उनकी जो दादी थी उन्होंने बड़े स्लाइली कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर नाम का शब्द घुसाया था, तो सेक्युलर से कम्युनल अगर वो बन रहे हैं तो ये तो स्टैंड कांग्रेस पार्टी को क्लियर करना होगा। जब स्टेट को अपने आप को धर्म से बिल्कुल अलग जोड़ कर रखना चाहिए, इस सेक्युलरिज्म की परिभाषा पे जो पार्टी चली जी, आज उन्हीं के प्रपौत्र आकर बम्बम भोले और कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहे हैं, तो ये जो दोगलापन है इससे जनता तो रूबरू है। लेकिन मैं एक चीज आपको और बता दूं जी, जी। ये जितनी भी चुनावी यात्राएं इनकी हो रही हैं अमरनाथ जी की और कैलाश मानसरोवर की, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे, क्योंकि जनता कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा पहचानती है और इस दोगलेपन से वो पूरी तरह से वाकिफ है। ठीक है, अच्छा मजा तो ये है कि सब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अच्छा मजा ये है कि सब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राष्ट्र है। ठीक है शुभ्रास्ता, आपने अपनी बात रखी, मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण की बात आता हूं, अच्छा है कि सब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन ये राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है, कभी मुसलमानों की पार्टी कभी बम बम भोले। शुभ्रास्ता के बात का आप क्या जवाब देंगे? देखिए अमित देवगन जी, हर हर
महादेव है, हर हर मोदी नहीं होना चाहिए, और बम बम भोले है, बम बम राहुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हर हर मोदी ठीक है तो बम बम राहुल भी ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा सवाल है, अभी सुब्रास्ता जी बड़ी विद्वान हैं, विदुषी हैं, वो कह रही थी कि साहब ये राहुल गांधी वहाँ गए, कम्युनल इनकी दादी, सेकुलर ने शब्द जोड़ दिया। अरे भाई, देश बदल रहा है, RSS सेकुलर हो गया, BJP अब सेकुलर हो गई, प्राइम मिनिस्टर मोदी मस्जिद गए और वहाँ मरसिया पढ़ा, ये अच्छी बात है, देश ऐसे ही चलना चाहिए। जो RSS की विचारधारा पे चलने वाले लोग थे, जो गुरु गोलवलकर और हेडगेवार जी की जो एक हिंदुत्ववादी सोच थी, अब मोहन भागवत जी ने साफ कर दिया कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। ये बात हम कई साल से कह रहे थे कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व जो है हिंदुस्तान अधूरा। सुनिए, शुभ्रास्ता जी को मैंने सुना, शुभ्रास्ता जी मेरी बात भी सुन ले, पूरा देश सुन ले, काशी में हर हर मोदी नारा किसने लगाया है? कच्चा गाय का कच्चा मांस खाते हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश चुनाव के पहले नई अरे आपके तो गृह राज्य मंत्री ने स्वयं कहा कहेंगे ना कि मैं बीफ खाता हूँ। आपने केरल के बारे में किरण रिजिजू ने कहा, गोवा की सरकार गाय को कटवाती है, आसाम में चीफ मिनिस्टर आपका है वहाँ गाय कटती है, मेघालय में चीफ मिनिस्टर आपका है वहाँ गाय कटती है, आप बात कहाँ की करती हैं? यही तो सारा का सारा ढोंग है आपका, यही पाखंड है, यही फ्रॉडिज्म है, यही फ्रॉड है इस देश के साथ, इस देश के सुव्यवस्था जी। अभी आपने कहा, अभी आपने कहा कि BJP का प्रवक्ता जवाब देगा, तो यहाँ पर भी जो दो मुसलमान नहीं, मैं BJP से सवाल करना चाहता हूँ, जवाब आप दे रही हैं, इसका मतलब तो आपकी मिली भगत है कि आप बीफ खाते हैं या नहीं खाते। नहीं, इसका मतलब आचार्य जी थोड़ा दिमाग खोल कर सुना कीजिए। अरे मेरा दिमाग खुला हुआ है, आप अपनी आंखें खोलिए, आपकी आंखों पर पट्टी बांधेंगे शुभ्रास्ता जी। अरे देश आपको क्या कह रहा है, आपने देश के साथ धोखा किया शुभ्रास्ता जी, आपने राम को ठगा, आपने गंगा को ठगा, आपने गाय को ठगा, आपने धारा 370 के नाम पे देश को ठगा, आप कोई वादा पूरा कर पाए? आप कैसी बात करते हैं? और कांग्रेस देश के साथ BJP ने वो फ्रॉड किया है, और आप कांग्रेस फ्रॉड किया है, जो देश की आजादी से पहले अंग्रेजों ने भी इस देश के साथ फ्रॉड नहीं किया, आपने फ्रॉड किया है। आपके जितने मुद्दे थे BJP ने फ्रॉड किया है, जो किया अंग्रेजों ने भी फ्रॉड किया, RSS प्रमुख ने अपनी वाणी में स्पष्ट किया है, ठीक है, RSS प्रमुख ने किया है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं शुभ्रास्ता जी, जो बात RSS प्रमुख ने कही है कि मुसोलिए जवाब हंसिए, खूब हंसिए जी, देश हंसेगा एक दिन। तिलमिलाहट है ये, एक नेता की तिलमिलाहट है, ये एक ऐसे नेता की तिलमिलाहट है जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है और हार जाता है, इसीलिए कांग्रेस के बारे में वो धर्म गुरु के का चोंगा पहनकर कांग्रेस की वकालत करते हैं। बात केवल इतनी सी है आमिश जी, हिंदुत्व की बात हो यही तो संघ चाहती है, हिंदुत्व की बात हो यही तो देश की जनता चाहती है। अब जनता को निर्णय लेने दीजिए ना कि किसका हिंदुत्व पाखंड है और किसका हिंदुत्व सच्चा है, बात केवल इतनी सी है। मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा हुई उसके पिक्चर्स तक जिस पार्टी को फोटोशॉप करके डालने पड़ रहे हैं, एक भी पिक्चर बाबा के साथ नहीं है, उसके बाद भी कांग्रेस ये कहती है कि वो बम राहुल के बारे में बात करे। छोटी सी बात है, मैं युवाओं को मुखातिब होकर कहना चाहती हूँ कि बम के बहुत अर्थ होते हैं, और राहुल गांधी किस बम के लिए जाने जाते हैं वो मैं युवाओं पर छोड़ती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि मर्यादा रखनी चाहिए। ओके, मैं शुभ्रास्ता जी, आपने कहा मैंने चोगा पहन रखा है, आपने कौन सा चोला पहन रखा है, जरा देश को बता दीजिएगा, मैं भी मुस्कुराऊंगा आपकी तरह। हैं, देखिए और क्या आप लोग तिलमिला गए हैं राहुल गांधी के बम बम राहुल के नारे से, मैं जनता हूं, समझ में नहीं आता है, हर हर मोदी अच्छा है। एक सेकंड सर, मैंने सवाल पूछा, रुकिए बाप जी, बोलिए शुभ्रास्ता, 30 सेकंड। आमिश जी, शुभ्रास्था कहीं की टिकटार्थी नहीं है, बाकी जो पैनल में बैठे हुए आपके धर्माचार्य हैं वो टिकटार्थी हैं, इसलिए सवाल मैं पूछूंगी, नेता से नेता को जवाब देना होगा। और रही बात कि मैं अग्री करती हूँ विचारधारा से मोहन भागवत जी की, नहीं, वो मेरे ट्वीट से सबको पता है कि मैं विचारधारा से अग्री करती हूँ या नहीं, मुझे इनके सामने अपना हिंदुत्व नहीं प्रूव करना, मुझे इनके सामने नहीं बताना कि मैं मुसलमानों के बारे में क्या सोचती हूँ। ऐसे तो तमाम नेता आए गए, जनता पर आक्षेप लगा कर गए, इनको हम लोगों ने चपत लगाई है, आगे भी लगाएंगे। ठीक है, 5 साल तक मुसलमान गद्दार था,
पांच साल तक मुसलमान हिंदुओं के लिए जरूरी हो गया। ये तुम्हारा ढोंग और पाखंड का चोगा उतर चुका। मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट अपने आप में साफ करता है कि आप लोगों का ढोंग पाखंड ओपन हो गया, खुल गया है। आपने अपनी बात को रख लिया, मेरे साथ बाकी पैनलिस्ट भी है, मेरे साथ बीजेपी से नवीन कुमार भी है। कांग्रेस का ये जो बदला हिंदू चरित्र है, क्या ये बीजेपी को काउंटर करेगा या आपको लगता है ये सेकुलरिज्म को काउंटर करेगा? व्हाट इज योर टेक? जो नया कांग्रेस ने प्लान बनाया है कि हर रैली में अब महादेव के नारे लगेंगे, अमित जी, और उधर मोहन भागवत के बदले सुर हैं। अमित जी, सबसे पहले तो यहाँ भोले की भोलेपन की बात चली तो मैं सबसे पहले ये कह रहा हूं, ना राहुल भोले है ना मोदी भोले है, भोली तो देश की जनता है जिनको ये लोग मिलके बेवकूफ बना रहे इतने बरसों से और आगे भी बनाते आएंगे अगर इसी तरह का माहौल रहा। ये दोनों के ऊपर तो एक गाना है, नकली चेहरा सामने आए असली सूरज छुपी रहे। ये दोनों रिलीजन के नाम पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब गुजरात के चुनाव के पहले भी आपने देखा, हमने सबने देखा कि राहुल गांधी ने कहा मैं जनोद्धारी हिंदू हूं, तो मोदी ने कहा मैं इनसे बड़ा हिंदू हूं। राहुल गांधी चले गए 20 मंदिरों में तो मोदी जी चले गए उनसे ज्यादा मंदिरों में। तो क्या हम ये मंदिर मंदिर की राजनीति करेंगे या देश के जो अहम मुद्दे उन पर बात करेंगे? अरे देश की जनता अमित जी आज ये नहीं सुनना चाहती आप कितने मंदिर में गए, आप कितने भोले हो, आप कितने शरीफ हो, आपकी सूरत कितनी अच्छी है, आपकी सूरत कितनी खराब है। देश की जनता सवाल कर रही है कि आज जो पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा है उसको कम कैसा किया जाए। देश की जनता सवाल कर रही है कि जो बिहार में मासूम बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं शेल्टर होम में, तो उसको किस तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। देश की जनता सवाल कर रही है कि जो चोर लोग हमारे देश का सफेद धन लूट के भागे उनको कब लाएंगे। काला धन लाने की बात की थी वो तो नहीं ला सके, सफेद धन बाहर चला गया। एम्प्लॉयमेंट देने की बात की थी वो तो नहीं दे सके, आज बेरोजगारी बढ़ गई है। देश में महिलाएं असुरक्षित है उनके लिए तो कोई नहीं, पर क्या नहीं, बारिश, बारिश, मेरा जो मौलिक सवाल था आपसे, नहीं नहीं बेसिक क्वेश्चन, बारिश बारिश का सेक्युलर चेहरा, नहीं नहीं अमित जी आप सुनिए, क्या हिंदू वोट ही जरूरी रह गया है? गांधी का सेक्युलर चेहरा हिंदू वोट ही जरूरी रह गया है? सेक्युलरिज्म के चोले उतर गए हैं तो 25 सेकंड में इसका जवाब दीजिए आप। देखिए इतने बरसों से कांग्रेस ने मुसलमानों को दलितों को सिर्फ एक वोट के लिए रखा, हमको वोट दो हम राज में रहेंगे तुम्हारा सिर्फ वोट लेंगे। मगर क्या किया मुसलमानों और दलितों के लिए कांग्रेस ने इतने साल से सत्ता में रहकर बताइए मेरे को, कुछ नहीं किया। बल्कि प्रणब मुखर्जी जो 50 साल तक कांग्रेस में थे वो जाते आरएसएस के हेडक्वार्टर पे और हेडगेवार जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को सांप कहा था उसको सन ऑफ द सोल उसकी तारीफ करके आते हैं। और बीजेपी भी कोई कम नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक, ये देखिए बीजेपी क्या कर रही है, ठीक है, गाय गंगा दंगा मंदिर, अब इनके पास यही आलोक शर्मा का रिएक्शन यहाँ जरूरी है। आलोक शर्मा, आप बड़े व्याकुल हो रहे थे मेरे सवाल के ऊपर कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए कांग्रेस की प्रचार समिति ने यह रणनीति तैयार करी है, जो मेरे पास जानकारी है, राहुल की रैलियों में बोले बम का नारा लगाया जाएगा। और जो अभी वारिस पठान बात कह रहे थे कि आपने मुसलमानों को भी ठगा और आप हिंदुओं को भी ठगने की बात कह रहे हैं, उस पर रिएक्शन क्या है आपका? 30 सेकंड आलोक। देखिए मैं समझता हूं कि कोई भी भोला नहीं है, वारिस पठान जी ने कहा सबसे भोले तो ओवैसी साहब हैं, जो ओवैसी साहब मंचों से कहते हैं कि मुझे बस एक महीने के लिए, एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और कत्लेआम कर देंगे हिंदुओं का, तो ओवैसी साहब सबसे भोले हैं, मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। गलत बात, सरासर झूठी बात, कब मीडिया में चलाया और सबने चलाया, मुद्दे की बात देखिए वो पूरे मीडिया में है, मैं उसको मैं बहुत स्पेसिफाई नहीं करना चाहता हूँ, कोर्ट में न्यायालय में केस चल रहा है, लेकिन मैं तो केवल यही कहूंगा कि आप सबसे भोले हैं, आपसे भोला कोई नहीं है। मुद्दे की बात पर आप पढ़ के नहीं आए हो। बीजेपी के एक प्रवक्ता महोदय ने शुरू में कहा कि चाल चरित्र और चेहरा जो है, चाल चरित्र और चेहरा जो है जाने से वोट नहीं मिलेगा, कांग्रेस का पता चल गया है। जी क्यों गालियां देते हैं आप भी? चाल चरित्र और चेहरा कांग्रेस का जो है वो पूरी तरह से पता चल गया। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा तो 70 वर्षों से देश ने देखा है, चाल चरित्र और चेहरा तो कांग्रेस की जगह बीजेपी का 4.5 साल में पता चला है।
साढ़े चार साल में बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा पता चला है कि मोदी के मोदी जी राम मंदिर के नाम पर वोट तो मांगेंगे लेकिन राम मंदिर बनाने की कभी तारीख नहीं बताएंगे। राम मंदिर के विदेशों में उसी प्रकार से ये भी खोल चुके हैं कि कौन असली है कौन नकली है जो राहुल गांधी जी। अरे मेरी बात सुनेंगे आलोक जी, आपकी आवाज इतनी ज्यादा सुनो मेरी बात। मुसलमानों के बिना राहुल गांधी अधूरा है, अपनी मानसिकता खो चुके किसी कांग्रेस के लिए आप सुन के लोग भी खो चुके हैं। अमित देव चाहे वो कितना आलोक करते हैं कि देखिए चाहे वो आचार्य प्रमोद किशन या प्रमोद त्यागी जी हो, ये सब अपनी मानसिकता खो चुके हैं। अरे सुन लीजिए मेरी बात भाई, मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है, मेरी बात तो सुन लीजिए। आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं, अरे भाई, और सवाल कांग्रेस से हो रहा है। मेरा कहना ये है कि आप अपनी मानसिकता खो चुके हैं। सुनो भाई, मैं जो कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के मेरे को बोलने दीजिए भाई, मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूँ। कांग्रेस के जितने नेता पंडित नेहरू से लेकर के अब तक सबके सबों ने भ्रष्टाचार में डूबे हुए। अरे भाई मुझे लगता है एक एक करके बोलना चाहिए, सब अपनी बात है। आलोक शर्मा आपने अनफेयर करा, नवीन कुमार पहली बार डिबेट में आए थे, आप उनको 40 सेकंड बोलने देते। कांग्रेस की पार्टी उनको आप 40 सेकंड बोलने देते, कांग्रेस की पूरी मौका मिला अपना, कांग्रेस का पूरा ठीक है। नवीन मैं आपके पास वापस आऊंगा, माफी चाहूंगा नवीन, मैं माफी चाहूंगा, वापस आऊंगा सारा का सारा। नवीन मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन शुभ्रास्त्रा शुभ पाकिस्तान, कभी हिंदू तालिबान, कभी शिव भक्ति, कभी कुछ, क्या कहना चाहते हैं? और अब बम बम बोले के नारे। देखिए एक बात तो वारिस पठान साहब ने जो एक सवाल उठाया बड़ी संजीदगी के साथ, पहले मेरे सवाल का भी जवाब देंगे, उसी में आपके सवाल का भी जवाब है कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना हिंदुओं के नाम पे राजनीति हो, ना मुसलमानों के नाम पे राजनीति हो, ये हम बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन हो रही है। मगर वारिस पठान साहब से मैं बड़े अदब के साथ एक बात ये कहना चाहता हूँ, आपकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुसलमीन, तो वो आपकी पार्टी है तो वो एकदम स्पष्ट है, जैसे हिंदू महासभा, हम हिंदू महासभा और आपकी पार्टी AIMM जो है उसमें दोनों में दीन और धर्म का जिक्र हुआ है, तो वारिस साहब इस पे भी आपको रोशनी डालनी पड़ेगी। दूसरी बात, सुब्रास्ता जी से मैं बहुत विनम्रता से एक सवाल खड़ा करता हूँ। सुब्रास्ता जी कहती हैं सारी पार्टी गलत हैं, सब ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, सब महात्मा गलत हैं, सारी पार्टियाँ धर्म के नाम पर वो कर रही हैं, लेकिन सुब्रास्ता जी एक सवाल है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ये नारा किसने दिया था, हम 370 हटाएंगे नारा किसने दिया था, गौवध पे राष्ट्रीय कानून लाएंगे नारा किसने दिया था, राम मंदिर बनाएंगे पूर्ण बहुमत नारा किसने दिया था, शुभ्रास्ता से जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, शुभ्रास्ता कौन झूठा कौन सच्चा, ठीक है, समय का पालन करना पड़ेगा। मैं आपको भी वारिस मौका दूंगा, नवीन कुमार को भी मौका दूंगा, आप वारिस रुकिए शुभ्रास्ता भी है, हर जात के है लोग हमारी पार्टी से जुड़े हुए, ठीक है वारिस मैं आपको पास आ रहा हूं। ओके शुभ्रास्ता 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। आमिश जी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी की थी इस सरकार ने, और उसकी तरफ पहला कदम इसी सरकार ने बढ़ाया, ट्रिपल तलाक बैन किया। यहां जितने लोग बैठे उसमें से कितनों ने उस चीज का समर्थन किया था, इसका जवाब मैं आचार्य प्रमोद जी से पूछती हूं, और दोबारा मैं स्पष्ट कर आचार्य जी ने खुद ही नहीं किया तो जी सवाल जनता नेता से करती हूं। शुभ्रास्ता जी, जनता को जवाब देना, पाबंदी आप लगाएंगे ये वादा आपने नहीं किया था, आपने वादा किया था हम 370 हटाएंगे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र की जो आप बात करते हैं, देश को वादा आपने किया था, आपके नेताओं ने किया था। सुन लीजिए ना, मैं सुन रहा हूं, मैं कितनी बार बोलूं, सुनने दीजिए। हिंदू राष्ट्र की जो बात है उस बिल्कुल हिंदू राष्ट्र की जो बात है बिल्कुल स्पष्टता से मोहन भागवत जी ने कहा, हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों का भी उतना ही सम्मान है जितना हिंदुओं का है। ओके ओके, बात को घुमाना जानती है शुभ्रास्ता जी, जवाब देना नहीं जानती। दोनों का ऑडियो डाउन, आखिरी बार है, दोनों का ऑडियो डाउन। वारिस साहब की इक्वल राइट दिया है तो मोहन भागवत कौन होते हैं? जब संविधान ने मुझे अमित जी एक मिनट मुझे बोलने दो, जब संविधान ने मुझे इक्वल राइट दिया है तो मोहन भागवत कौन होते हैं? मुझे बोलने वाले के तुम भी इक्वल हो, तुम भी मुसलमान हो। ठीक है नवीन कुमार।